अलगोद जो है सो 1987 में मैं हैदर रिंद से अलगोदा बजाया। फिर मैनू जाम दुनिया ने पसंद किया, उसी हिसाब से मैं बजाया। अला साई बहुत बड़ी दाद नहीं जी। आजकल भी लोग पसंद करते हैं? आजकल भी बहुत पसंद करते हैं। उस्ताद के अलावा भी आप मुख्तलिफ फनकारों के साथ अपने इसी फन का मुजारे किया? हाँ, चार पंच उस्ताद के शागिर्द हैं, उसी से मैं उसी से भी बजाया। बहुत दुनिया पसंद कर दी है, पाकिस्तान, इंडिया, दूसरों मुल्क भी हमारे को पसंद कर। थकन होती है आपको इसमें? मेहनत भी बहुत, मेहनत तो सही बहुत, फनकार से ज्यादा तो आपकी मेहनत है। हाँ, बहुत मेहनत जाम है इसमें। इसमें उंगलियों का सहारा भी लेते हैं और सांस में भी, उंगलियों का सहारा भी लेते हैं, सांस का भी सहारा लेते हैं बहुत। अच्छा, अच्छा ये बताइए इसमें क्या हवा से ये म्यूजिक की आवाज निकलती है इससे? अंगूर से? हाँ, ये हवा से जी, उंगलियों से आप ऐसी किया तो मुख्तलिफ हाँ रिदम वगैरह, रिदम सारा वो उंगलियों से वो सांस से। ये खास करके वो म्यूजिक मतलब इसका अगर है तो वो जैसे आजकल वो चकतारा चपड़ी वगैरह जी, उसके साथ भी इसका होता है लगन? हाँ, इसके साथ मैं जो को चकतारा जो कोई चपड़ी वाला है वो तो बहुत उसी से मजा आता है। अच्छा, थर के लोग पसंद करते हैं? अच्छा, थर के भी लोग पसंद करते हैं, जब्बल वाले लोग हैं वो भी पसंद करते हैं, और इंडिया में भी पसंद करते हैं। हर महीने में ये दिन कितने दिन में मतलब कैसेट आती है ऐसे एल्बम रिकॉर्ड करते हैं? अच्छा, हर महीने में 2-3 एल्बम आ जाते हैं। इतनी आप मेहनत कर लेते? हाँ, बीमारी शिमारी इसमें कोई नहीं? बस वो तो आदत बन गई है। शौक भी है? शौक भी है, जैसे पहले जवानी में शौक था और आजकल इसमें कुछ फर्क है? वो तो फर्क जरूर होता ही है। वो तो है, आस्ते आस्ते शौक भी कम पड़ जाता है। हाँ, वो तो है। वैसे हाँ, ऐसे कोशिश करें सीखूंगा।